नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, बी सेमेस्टर 3 सब्जेक्ट ईटीसी विंटर एग्जामिनेशन 2022। दोस्तों आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो चैप्टर 1 है, इस चैप्टर में से ऐसे 4 टॉपिक्स हैं, 4 ऐसे टॉपिक हैं जिसमें से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अब तक की जो जीटीयू की एग्जाम्स हुई है उसमें ये 4 टॉपिक में से क्वेश्चंस आए ही हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये 4 क्वेश्चंस आप अगर इसे अच्छी तरह से कर लेंगे तो एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन। इसमें आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देनी है और उसके बाद लिखना है आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विथ डायग्राम, जिसमें आपको कम्युनिकेशन की प्रोसेस बतानी है और इसके साथ डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन काइनेसिक्स एंड प्रोक्सिमिक्स। काइनेसिक्स एंड प्रोक्सिमिक्स की आपको नोट्स लिखनी है। जो क्वेश्चन आपको अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है, केवल आपको ऐसा भी आया कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन काइनेसिक्स, तो आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा 4 मार्क्स में। अगर दोनों साथ में आते हैं तो वो लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में आएगा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है, वहां पे आपको ऐसा होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में 3 ऐसे पार्ट्स आते हैं जिसमें काइनेसिक्स है, प्रॉक्सिमिक्स है और एक है पैरालिंग्विस्टिक। तो ये 3 टॉपिक आपको इसमें डिस्क्राइब करने हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है व्हाट आर द पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स, पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स क्या है, एक्सप्लेन विद सुटेबल इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशंस मतलब एग्जांपल्स, आपको एक्सप्लेन करना है ऐसे एग्जांपल्स। तो ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। और फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस और इंपोर्टेंस दोनों एक ही वर्ड है, सिग्निफिकेंस मतलब उसका महत्व। तो आपको लिखना है उसमें एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरकल्चरल एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। अगर दोनों एक साथ में आए कि इंटरकल्चरल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो आपको वो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 7 मार्क्स में। अगर दो में से कोई एक पूछा जाए तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है 4 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों ये फर्स्ट चैप्टर के दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये जो सारे 4 पॉइंट है, इस 4 टॉपिक को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए और इनमें से एग्जाम्स में आपको यही क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए। और कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये मटेरियल लेना चाहते हैं तो मटेरियल आपको अमृत क्लासेस एप्लीकेशंस पर भी उपलब्ध कर दिया गया है, तो आप वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और मटेरियल आपको वहां से ही सीधा मिल जाएगा। धन्यवाद।